अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बनू में ऑपरेशन मुकम्मल, सीटीडी कंपाउंड पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द हलाक। सीटीडी कंपाउंड के अंदर मौजूद तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। बनू में स्कूल बंद और अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिस है। सुना है मोदी की पार्टी ने मेरे सर की कीमत लगाई है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हकाइक बताने को तौहीन समझा गया और भारत में मेरे खिलाफ मुजाहरे किए गए। पड़ोसी मुल्क के वजीर खारजा को कत्ल की धमकी का मतलब लाइन उबूर करना है। तवानाई बुरहान, बाजार रेस्टोरेंट 8 बजे, शादी हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला। सरकारी इदारों में 20% अफरादी कुवत घर से काम करे तो 56 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर दिफा का कहना है कि ई बाइक्स आने से 86 अरब रुपए की बचत होगी। पीटीआई के 123 अरकान का स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। पीटीआई अरकान असेंबली 22 दिसंबर को केपी हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। अदम एतमाद का मामला, इमरान खान की तमाम एमपीएस को लाहौर में रहने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic? Safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic. Paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. बनू में यरगमाल बनाए गए सीटीडी अहलकारों को छुड़वाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए और यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बनू में यरगमाल बनाए गए सीटीडी अहलकारों को छुड़ाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए और यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज कबल सीटीडी कंपाउंड पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने हमला करके अहलकारों को यरगमाल बना लिया था और उन्हें रिहा करने के एवज मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए थे, जिनमें अफगानिस्तान की तरफ महफूज रास्ता देने का मुतालबा भी शामिल था। जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 7 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हुए, जिन्हें CMH बनू मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक दहशतगर्दों से मुजाकरात की कोशिश की गई, ताहम नाकामी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुकम्मल सील करके घेरे में ले लिया और ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें हेलीकॉप्टर और पाक फौज के SSG कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। जराये का कहना है कि दौरान ऑपरेशन वक्फे से 2 तरफा फायरिंग हुई और मुकाबले में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। वाज रहे कि इतवार के रोज बन्नू में दहशतगर्दों ने CTD कंपाउंड पर हमला किया था और अहलकारों को यरगमाल बना लिया था, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया था। जराये के मुताबिक बन्नू में स्कूल बंद हैं और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस है, जबकि इलाके में मोबाइल फोन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालिक हकीकत बयान करने पर BJP ने मेरे सर की 2 करोड़ कीमत लगा दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालिक हकीकत बयान करने पर BJP ने मेरे सर की 2 करोड़ कीमत लगा दी। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दिफा करते हुए कहा है कि मैंने भारतीय वजीर आजम से मुतालिक तारीखी हकीकत दोहराई है। अमरीकी TV को इंटरव्यू में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई मैंने नहीं कहा, बल्कि वो अल्फाज हैं जो 2002 में गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद
मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के वजीर आला थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि मैंने सिर्फ तारीखी हकायक दोहराए जिसको जाती तोहिन समझा गया। मेरे बयान के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगा दी और पूरे भारत में मेरे खिलाफ मुजाहिरे किए गए। पड़ोसी मुल्क के वजीर खारजा के सर की कीमत लगाने का मतलब लाइन उबूर करना है। दूसरी जानिब इंतहा पसंद हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी के मकामी रहनुमा मनोपाल बंसाल ने इश्तियाल अंगेजी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की जानिब से भारत में बिलावल भुट्टो के खिलाफ रैलियाँ निकाली गई। वाज़ह रहे कि न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि भारत को बताना चाहता हूं कि उसामा बिन लादिन तो मर चुका है मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और वो भारत का वजीर आजम बन चुका है। हुकूमत ने तवानाई बचत कौमी प्रोग्राम का ऐलान करते हुए शादी हॉल्स रात 10 बजे जबकि मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया है। मजीद तफसील जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने तवानाई बचत कौमी प्रोग्राम का ऐलान करते हुए शादी हॉल्स रात 10 बजे जबकि मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमर जमान कायरा और मरियम औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किफायत शारी की पॉलिसी दी जा रही है। इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें सेक्रेटरी पावर वजीर दिफा समेत 10 वजरा शामिल हैं। वजीर दिफा ने बताया कि सरकारी इदारों में 20% अफरादी कुव्वत घर से काम करे तो 56 अरब रुपए की बचत होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुतबादल स्ट्रीट लाइट्स जलाने से 4 अरब रुपए की बचत होगी। ई बाइक्स मुतारिफ कराई जा रही हैं। महदूद मुद्दत के अंदर ये मोटरसाइकिलें मार्केट में आ जाएंगी। उनका कहना था कि इंपोर्ट शुरू हो चुकी है, मोटरसाइकिल कंपनियों के साथ इसी हवाले से बातचीत जारी है। ई बाइक्स आने से 86 अरब रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इन इकदाम के लिए अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दिफा का कहना था कि शादी हॉल्स के औकात रात 10 बजे तक होंगे जबकि रेस्तरां और मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। इन इकदाम से 62 अरब रुपए की बचत होगी। पुराने पंखे 120 से 130 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं जबकि नए पंखे तकरीबन 40 से 60 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इन पंखों के इस्तेमाल से 15 अरब रुपए की बचत हो सकती है। उन्होंने कहा कि एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से 23 अरब रुपए की बचत होगी। घरों में पंखे और एयर कंडीशन के इस्तेमाल में बचत से 8 से 9000 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। कैपेसिटी अमेंडमेंट्स की मद में 28 अरब महाना बचत होगी। गैस फराहम करने वाली कंपनियां गीजर के लिए बचत के आलात फराहम करेंगी जिससे 92 अरब रुपए सालाना बचत होगी। 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान ने जुमेरात को कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान ने जुमेरात को कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने तमाम MPs को लाहौर में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरकान असम्बली स्पीकर राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। PTI अरकान असम्बली 22 दिसंबर को KP House इस्लामाबाद में जमा होंगे। अरकान मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट आएंगे और शाह महमूद कुरैशी अरकान को लेकर स्पीकर के सामने पेश होंगे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अरकान मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट आएंगे। वाज़ह है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कह चुके हैं कि PTI अरकान के इस्तीफे इकट्ठे मंजूर नहीं हो सकते। वाज़ह है कि 14 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाने का ऐलान किया था। साबिक वजीर आजम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अभी तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कानूनी टीम का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी जबकि असम्बली के जारी इजलास के होते हुए गवर्नर की जानिब से नया इजलास तलब करने पर मशावरत होगी। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने तमाम MPs को लाहौर में मौजूद रहने की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की अहम क्यादत का भी इजलास तलब कर लिया है जिसमें वजीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट और अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान सीनियर क्यादत से मशावरत करेंगे। इजलास में तहरीक अदम एतमाद के कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।